सन सिटी जोधपुर। राजस्थान की सूर्य नगरी जोधपुर प्रसिद्ध है आसमानी रंग में रंगे घरों के कारण। इस ऐतिहासिक शहर को किंगडम ऑफ मारवाड़ भी कहा जाता है, जहां से राठौड़ वंश का इतिहास जुड़ा है। जोधपुर को जाना जाता है यहां के साफे, सूट, मोजड़ी, मसालों, हैंडीक्राफ्ट, जस्ते से बने ठंडे पानी के बर्तन, हाथी दांत की चूड़ियों, लाख के काम और बंदेज वर्क के लिए। क्या आप जानते हैं कि जोधपुर की मथानिया मिर्ची इतनी प्रसिद्ध है कि ये पैदा होने से पहले ही बिक जाती है। दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट भड़ला सोलर पार्क भी जोधपुर में है। ये इतना बड़ा है कि सैटेलाइट भी इसकी इमेज को एक साथ कैप्चर नहीं कर सकता। यहाँ बिलाड़ा के अहिमाता मंदिर में दीपक की लौ से काजल की बजाय केसर निकलता है। वही रावण का ससुराल मंडोर भी जोधपुर जिले में ही आता है। सदियों पहले जोधपुर शहर मेहरानगढ़ के किले में ही सिमटा था, लेकिन यहाँ का इतिहास तो किला बनने के हजारों बरस पहले से ही शुरू हो जाता है। कहा जाता है कि महाभारत के समय में यहाँ अहीर जाति के लोग रहा करते थे। अहीरों को ही जोधपुर का मूल निवासी माना जाता है। फिर आई 15वीं सदी, तब यहाँ चिड़ियाटुक पहाड़ी पर महान तपस्वी चिड़ियानाथ तपस्या किया करते थे। लेकिन अचानक यहाँ पर पहुंचे राव रिडमल के बेटे राव जोधा, जिन्होंने ये तय किया था कि वो चिड़ियाटुक पहाड़ी पर अपना किला बनवाएंगे। कहते हैं कि उन्होंने संत चिड़ियानाथ से कई बार इस पहाड़ी को छोड़कर दूसरी जगह पर तपस्या करने की प्रार्थना की, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। तो अब सवाल ये आता है कि फिर कैसे बना मेहरानगढ़ का किला और कैसे बसा जोधपुर शहर। इसके पीछे की दिलचस्प कहानी जानने के लिए हमें चलना होगा जोधपुर के इतिहास की सैर पर। लेकिन उससे पहले जानते हैं जोधपुर से जुड़े कुछ जरूरी फैक्ट्स के बारे में। फैक्ट नंबर 1, जोधपुर राजस्थान के पश्चिम में बसा है, जो लॉक करता है अपनी बाउंड्रीज को बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली और नागौर के साथ। 22,850 स्क्वायर किलोमीटर में फैला जोधपुर एरिया के हिसाब से राजस्थान का दूसरा और भारत का छठा सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। इसे थार का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। फैक्ट नंबर 2, देश की राजधानी दिल्ली से 607 किलोमीटर और कैपिटल सिटी जयपुर से 351 किलोमीटर दूर बसा है जोधपुर, जहाँ की ज्यादातर जमीन पर मिलेगा या तो रेगिस्तान या फिर छितराई हुई झाड़ियाँ, जिन्हें फोग भी कहते हैं। जोधपुर की अधिकांश जमीन पर दूर दूर तक ये फोग पसरा है, जिसकी वजह से राजस्थान का सबसे बड़ा वनमंडल भी जोधपुर में पाया जाता है। फैक्ट नंबर 3, जोधपुर मारवाड़ रीजन की सेंटर सिटी है, इसीलिए यहाँ शुद्ध मारवाड़ी बोली जाती है। कहते तो ये भी है कि मारवाड़ी भाषा ही जोधपुर की देन है। यहाँ की खूबसूरती बढ़ाता है माचिया बायोलॉजिकल वाइल्डलाइफ, जहाँ रेगिस्तानी लोमड़ियाँ, बिल्लियाँ, मॉनिटर लिजर्ड, साही, हाथी, हिरण, ब्लैक बग, रॉयल बंगाल टाइगर्स, एशियन लायन और लेपर्ड आदि देखने को मिलते हैं। फैक्ट नंबर 4, कल्चर और हेरिटेज की बात करें तो जोधपुर पूरे राजस्थान में सबसे आगे है। इसकी झलक दिखती है मारवाड़ महोत्सव में। हिंदी कैलेंडर के हिसाब से हर साल अश्विन महीने में मारवाड़ महोत्सव मनाया जाता है। इस फेस्टिवल में राजस्थान के फोक सॉन्ग्स, फोक डांस के साथ ही राजस्थान के फूड का मजा लेने के लिए दुनिया भर से टूरिस्ट आते हैं। कैमल शो और कैमल पोलो इस फेस्टिवल की शान है। अपनी रंगारंग संस्कृति के कारण ही जोधपुर को कल्चरल कैपिटल ऑफ राजस्थान का दर्जा हासिल है। फैक्ट नंबर 5, जोधपुर के मसाले भी अपने अनोखे स्वाद के कारण दुनिया भर में मशहूर है।
इसी को ध्यान में रखते हुए राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क भी जोधपुर के तिमरी में बनाया गया। एशिया की सबसे बड़ी जीरा मंडी जोधपुर में ही है और यहाँ की सुर्ख लाल रंग की मथानिया मिर्ची भी वर्ल्ड फेमस है। नंबर 6, जिस तरह गुलाबी घरों के कारण जयपुर को पिंक सिटी, पीले घरों के कारण जैसलमेर को गोल्डन सिटी कहते हैं, वैसे ही आसमानी रंग के घरों के कारण जोधपुर को सन सिटी और ब्लू सिटी ऑफ राजस्थान भी कहा जाता है। यहाँ पर आज भी बहुत सारे घर आसमानी रंग में रंगे हैं, जिन पर सूरज की किरणें पड़ते ही ये शहर चमक उठता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जोधपुर के घर स्काई ब्लू कलर से क्यों रंगे गए हैं? दरअसल इसके पीछे तीन कारण बताए जाते हैं। पहला, कि पुराने समय में जोधपुर के ब्राह्मण दूसरी जाति के लोगों से अलग दिखना चाहते थे, क्योंकि नीला रंग भगवान शिव से जुड़ा होता है, इसीलिए वो अपने घर को आसमानी या यूं कहें कि हल्के नीले रंग में रंगवाते थे। दूसरा कारण ये था कि नीला रंग सूर्य की गर्मी से बचाता है और घर को ठंडा रखता है। और तीसरा कारण ये भी बताते हैं कि ये रंग मच्छरों और मक्खियों को दूर भगा देता है। आज भी मेहरानगढ़ से झांक कर देखा जाए तो जोधपुर के एक हिस्से के घर आसमानी रंग में रंगे नजर आते हैं। फैक्ट नंबर 7, जोधपुर को राजस्थान की जुडिशियल कैपिटल भी कहा जाता है। यहाँ पर राजस्थान हाई कोर्ट की मेन ब्रांच है। कहा जाता है कि राजस्थान के एकीकरण से पहले 5 हाई कोर्ट थे, लेकिन फिर इन सबको मिलाकर जोधपुर में एक हाई कोर्ट बना दिया गया। जोधपुर के महाराजा उम्मेद सिंह ने 1935 में हाई कोर्ट की बिल्डिंग बनवाई थी। ये भारत का पहला ऑनलाइन हाई कोर्ट है। जोधपुर के बाद जयपुर में इसकी एक ब्रांच खोली गई। फैक्ट नंबर 8, जोधपुर राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा विकसित महानगर है। शिक्षा के क्षेत्र में भी ये टॉप पर आता है। क्या आप जानते हैं कि जोधपुर को सीए की खान कहा जाता है, क्योंकि राजस्थान में सबसे ज्यादा सीए जोधपुर से ही निकलते हैं। जाने माने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जैसे कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, एम्स, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी समेत देश के अन्य कई बड़े इंस्टीट्यूट जोधपुर में हैं। राजस्थान की इकोनॉमी में 3,000 करोड़ तो वहीं इंडिया की इकोनॉमी में 1,450 करोड़ जोधपुर से आता है। फैक्ट नंबर 9, तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो से फेमस हुए शैलेश लोढ़ा, चित्रांगदा सिंह, कीकू शारदा, करणवीर वोरा जैसे एक्टर जोधपुर से ही आते हैं। तो वहीं अशोक गहलोत जैसे राजनेता, मिताली राज और रवि बिश्नोई जैसे खिलाड़ी भी जोधपुर से ही हैं। फैक्ट नंबर 10, जोधपुर का मेहरानगढ़ किला भारत के सबसे बड़े और मजबूत किलों में से एक है। ये भारत का एकमात्र ऐसा किला है जो ऊपर से देखने पर बिल्कुल भारत के नक्शे जैसा दिखता है। इस किले में बहुत सारे खूबसूरत महलों के अलावा कई तोपें भी रखी गई हैं। कहते हैं कि पंचेतिया पहाड़ी पर बने इस किले में ही एक वक्त पर जोधपुर बसा था। पंचेतिया या चिड़ियाटूक, पहाड़ी एक और नाम दो, लेकिन तपस्वी एक ही थे, महाराज चिड़ियानाथ। उन्हें तमाम कोशिशों के बाद भी जब नहीं हटाया जा सका तो सैनिकों ने उन्हें जबरदस्ती वहां से निकाल दिया। इससे गुस्सा होकर महाराज चिड़ियानाथ ने राव जोधा को ये श्राप दिया कि जोधपुर में लगातार अकाल पड़ते रहेंगे और इस पहाड़ी पर बनने वाला किला कभी अजेय नहीं रहेगा, यानी कि शत्रु इस किले को जीत जाएंगे और आप ये किला हार जाएंगे। लेकिन राव जोधा को इसका डर नहीं था, क्योंकि माँ करणी उनके साथ थी। माँ करणी की प्रेरणा से 12 मई 1459 को राव जोधा ने जोधपुर राज्य की स्थापना की। उस दौर में ये माना जाता था कि अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से जीवित ही खुद को किले की नींव में चुनवा ले तो किले को शत्रु कभी नहीं जीत पाएंगे। इसीलिए किले की नींव में राजा राम मेघवाल नामक व्यक्ति को उनकी मर्जी से जिंदा दफनाया गया और उनके ऊपर ये किला बनाया गया। इस किले में ही जोधपुर नगर सिमटा था, जिसे उस वक्त राव जोधा का फालसा कहा जाता था और इसकी राजधानी थी मंडोर। तो चलिए मंडोर से ही शुरुआत करते हैं
और चलते हैं जोधपुर की सैर पर। मंडोर। जोधपुर से करीब 16 किलोमीटर दूर बसे मंडोर शहर का नाम रावण की पत्नी मंदोदरी के नाम पर पड़ा है। माना जाता है कि मंदोदरी मंडोर की ही थी और मंडोर की चवरी में ही रावण ने मंदोदरी के साथ 7 फेरे लिए थे। यही वजह है कि मंडोर रावण का ससुराल माना जाता है। यहाँ आज भी रावण की पूजा होती है और भारत का पहला रावण मंदिर भी यही बना है। मजे की बात तो ये है कि जहाँ जोधपुर में रावण दहन किया जाता है, वहीं दशहरे के दिन मंडोर में शोक मनाया जाता है। इस हिस्टोरिकल फैक्ट से परे मंडोर में घूमने के लिए 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर और जोधपुर डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा और बेहद खूबसूरत मंडोर गार्डन है। जसवंत थड़ा। इसका निर्माण महाराजा सरदार सिंह ने अपने पिता जसवंत सिंह द्वितीय की स्मृति में करवाया था। मेहरानगढ़ के पास बना जसवंत थड़ा मारवाड़ का इकलौता सफेद संगमरमर से बना मॉन्यूमेंट है, इसलिए इसे राजस्थान का ताजमहल भी कहा जाता है। ये मारवाड़ के राठौड़ वंश का शाही शमशान स्थल है और ये बेहद खूबसूरत है। उम्मेद भवन। ये जोधपुर के छित्तर पत्थरों से बना एक आलीशान महल है, जिसे छित्तर पैलेस भी कहा जाता है। महाराजा उम्मेद सिंह ने साल 1928 में इसकी नींव रखी थी, क्योंकि उस वक्त जोधपुर की जनता अकाल से पीड़ित थी, इसीलिए इस भवन को बनाने के बदले में लोगों को खाना दिया गया। इसके वास्तुकार स्टीवन जैकब और विद्याधर राव थे। इस पैलेस के 3 हिस्से हैं। एक हिस्से में शाही परिवार आज भी रहता है, दूसरे को म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया है और तीसरे को एक बेहद शानदार हेरिटेज होटल में बदल दिया गया है। मेहरानगढ़ का किला। महर का अर्थ होता है सूर्य, क्योंकि राठौड़ वंश के राजा खुद को सूर्यवंशी मानते थे, इसीलिए उन्होंने इस दुर्ग का नाम मेहरानगढ़ रखा। ये किला जोधपुर की शान है। 410 फुट ऊपर पहाड़ी की चोटी पर बने इस किले में कई सारे खूबसूरत महल, भव्य दरवाजे और म्यूजियम भी है। 5 किलोमीटर में फैले इस किले से पूरा जोधपुर देखा जा सकता है। इसके अलावा अरना झरना, अजीत सिंह का देवल, सरदार क्लॉक टावर, महिला बाग का झालरा, उम्मेद गार्डन, तुमर जी का झालरा, तापी बावड़ी और गुलाब सागर भी जोधपुर के दर्शनीय स्थलों में शामिल है। वैसे तो जोधपुर जिले में करीब 1765 गांव आते हैं। हर एक गांव की अपनी एक अलग खासियत है, जैसे कि पाल गांव में राज्य की पहली फिल्म सिटी बनी है और इसे शिल्प ग्राम का दर्जा भी हासिल है। वहीं सालावस गांव दरी उद्योग के लिए मशहूर है, यहां पिछले 700 सालों से दरिया बनाई जा रही है। वहीं जोधपुर का ही खींचन गांव डेमोसिल क्रेन यानी कि कुर्जा पक्षी के लिए मशहूर है, यहां पर विदेशों से कुर्जा आती है। लेकिन अपनी सबसे अलग पहचान रखता है खेजड़ली गांव, जहां पर 84 गांव के 363 लोगों ने पेड़ों के लिए अपना सिर कटा लिया था। साल था 1730। जोधपुर के महाराजा अभय सिंह ने अपने सैनिकों को पास के गांव से लकड़ियां लाने का आदेश दिया, ताकि ईंधन की कमी ना हो। तब मारवाड़ के प्रधानमंत्री गिरिधर सिंह सैनिकों को लेकर खेजड़ली गांव पहुंचे। वहां पर उन्हें पेड़ काटते देख विश्नोई समाज की महिला अमृता देवी विश्नोई ने उनका विरोध किया। फिर भी जब सैनिक पेड़ काटते रहे तो वो पेड़ से जाकर निपट गई। उन्हें देखकर लोग पेड़ों की कटाई के विरोध में आगे आए और पेड़ों की रक्षा के लिए वो खुद जाकर पेड़ों से निपटने लगे। इस बात से खफा होकर गिरिधर सिंह ने जीवित लोगों को ही पेड़ों के साथ काटने का आदेश दे दिया। अब लोग भी पेड़ों के साथ कटते चले गए और खेजड़ली की धरती खून से लाल हो गई। हालांकि जब ये बात महाराजा अभय सिंह तक पहुंची तो उन्होंने तुरंत पेड़ों की कटाई रोकने का आदेश दे दिया, लेकिन तब तक खेजड़ली में लोग शहीद हो चुके थे और तब से ही खेजड़ली गांव वृक्षों के लिए प्रसिद्ध हो गया। इस घटना की याद में आज भी हर साल गांव में मेला भरता है। माना जाता है कि खेजड़ली का वृक्ष मेला
दुनिया का एकमात्र वृक्ष मेला है। इस मेले में बिश्नोई समाज के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और बिश्नोई महिलाएं सोने के अपने गहने छिपाती नहीं बल्कि खुलकर दिखाती हैं। वहीं जोधपुर में लगने वाला ढिंगा बेंतमार मेला भी काफी मशहूर है, जो कि एक गणगौर मेला है। इसके अलावा कापरड़ा का पशु मेला, बालीनाथ का मेला, मंडोर में लगने वाला नागपंचमी और वीरपुरी का मेला और फलोदी में लगने वाला फलोदी मेला भी प्रसिद्ध है। जोधपुर एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट होने के साथ साथ अपने खान पान के लिए भी खासा मशहूर है। जोधपुर का मिर्ची बड़ा, प्याज कचौड़ी, मावा कचौड़ी, मालपुआ, बेसन की बर्फी, गुलाब जामुन, घेवर, दाल बाटी चूरमा, मारवाड़ी कुल्फी और मक्खनिया लस्सी अपने खास स्वाद के कारण दुनिया भर में जाने जाते हैं। इतिहास के पन्नों को पलटकर जोधपुर के किले की कहानी को देखा जाए तो पता चलता है कि इस किले को बनवाने से पहले जीवित व्यक्ति को नींव में चुनवाया गया और किला बनवाने के बाद जो यज्ञ किया गया उसमें ब्राह्मण के कलेजे की आहुति दी गई। इतना ही नहीं, इस यज्ञ के बाद किले की कुंडली बनवाई गई और कुंडली के आधार पर इस गढ़ का नाम चिंतामणि दुर्ग रखा गया। लेकिन ये तमाम जतन भी महाराज चिड़ियानाथ के श्राप के प्रकोप को खत्म नहीं कर सके। वक्त के साथ साथ यहाँ पर अकाल भी पड़ते रहे और ये किला भी अजेय नहीं रहा, क्योंकि शेरशाह सूरी ने इसे जीत लिया था और अकाल के कारण यहाँ के लोगों को काफी दर्द झेलने पड़े थे। लेकिन फिर भी जोधपुर ने विकास की राहें पकड़ी। 1838 में राजस्थान का पहला सरकारी डाकघर और 1940 में राजस्थान का पहला रेडियो स्टेशन जोधपुर में ही बनाए गए। लेकिन फिर आया साल 1947, जब भारत का विभाजन हुआ। उस दौर में जोधपुर के राजा थे हनुमंत सिंह, जो पाकिस्तान में जाने के लिए इतने बेकरार थे कि इसके लिए उन्होंने सरदार पटेल के साथी वीपी मेनन पर बंदूक तक तान दी थी। हनुमंत सिंह को मनाकर सरदार पटेल ने जोधपुर को भारत का हिस्सा कैसे बनाया, इसकी दिलचस्प कहानी मैं आपको पहले ही सुना चुकी हूँ। दोनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहाँ जाकर आप ये कहानियाँ देख सकते हैं। खैर, भारत का हिस्सा बनने के बाद इस शहर का विकास और भी तेजी से हुआ। यहाँ पर एयरफोर्स का वेस्टर्न एयरबेस बना है, जो कि काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। राजस्थान की पहली सोइल लैब भी यहीं पर है। देश की दूसरी आयुर्वेद यूनिवर्सिटी और पहली स्टेट फुटबॉल एकेडमी भी जोधपुर में ही स्थापित की गई है। ब्याह शादी में अफीम की मनुहार यहाँ आज भी की जाती है। वहीं जोधपुर के कोट पैंट को तो राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा हासिल है। यहाँ का धावाडोली फॉरेस्ट रिजर्व ब्लैक बक्स के लिए काफी मशहूर है। जोधपुर का फलोदी शहर राजस्थान का सबसे शुष्क इलाका है। मरुधर कहे जाने वाले राजस्थान के इस जिले की तरह ही इसका इतिहास भी काफी बड़ा और शानदार है, जिसे एक वीडियो में समेटा जाता तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाता। इसीलिए बचे हुए फैक्ट्स और खूबसूरत जगहों के बारे में हम आपको बताएंगे दूसरे वीडियो में, और अलग से एक वीडियो मेहरानगढ़ किले पर भी बनाया जाएगा अगर आप चाहेंगे तो। लेकिन तब तक आप हमें ये बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और आप हमें कहां से देख रहे हैं। साथ ही ये बताना बिल्कुल ना भूलें कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। इन सारे फैक्ट्स को वेरीफाई करके और क्रॉस चेक करके ही आपके सामने पेश किया गया है दोस्तों, ताकि आप एजुकेशन पर्पज से भी इसे देख सके। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं और कोई जानकारी हमसे शेयर करना चाहते हैं या फिर एडवर्टीजमेंट के लिए कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए एड्रेस पर मेल करें। हम आपसे मिलते हैं अगली रिपोर्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।